में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएसएस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल, यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल के अंदर एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति जारी हुई है। उस विज्ञप्ति में कितने पद हैं, किस किस श्रेणी के पद हैं और उसमें क्या वेतनमान रहेगा, क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल पद हैं या रेगुलर पद हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप अगर आप लोग नए हैं तो। दोस्तों, इस प्रकार से पूरी विज्ञप्ति जो है वो जारी हुई है पीएसएस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी लैंग्वेज का एक पद निकला हुआ है। एलिजिबिलिटी इस प्रकार है, मास्टर्स होना चाहिए और बीएड आपका होना इसमें अनिवार्य रूप से रहेगा और बाकी की अन्य योग्यताएं आप लोग यहाँ पर सीधे यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको नीचे की तरफ दे दूंगा यहाँ पर। तो दोस्तों, पूरी एलिजिबिलिटी इस प्रकार से रहेंगी, इसमें 45,000 रुपये वेतनमान आपको दिया जाएगा पर मंथ और ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल विज्ञप्ति है। या तो फिर पीएचडी होना चाहिए या आपका पीएचडी होना चाहिए, ए या बी दोनों में से एक आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। द पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेंड फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद ए रैंकिंग अमाउंट टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यानी कि आप यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी में से आप लोगों ने कोई कोर्स किया है तो। डिजायरेबल रहेगा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए एमएस वर्ड में और अन्य जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें। एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर, आप लोगों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल्स बनाने का, कोरिकुला बनाने का और इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यानी कि मटेरियल बनाने का आपको अनुभव होना चाहिए। 45,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या 4 है, हिंदी के प्रोफेसर की पदों की संख्या 1 है। तो दोस्तों, 4 पद यहाँ पे है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में एजुकेशन में। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, बीएड वगैरह होना चाहिए, नेट स्लेट वगैरह अगर हो तो आप लोगों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएंगी। और ये दूसरी बी क्वालिफिकेशन इसमें इस प्रकार से है, पीएचडी आपकी होना चाहिए वन ऑफ द अमंगस्ट 500 जो यूनिवर्सिटीज हैं मध्य पूरे वर्ल्ड की बेस्ट 500 यूनिवर्सिटी उनमें से किसी में आपने एमए वगैरह किया हो तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, एक्सपीरियंस 1 साल का अनुभव आपका होना चाहिए और मॉड्यूल्स कोरिकुला और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने में आपको अनुभव होना चाहिए। 45,000 रुपये प्रतिमा यहाँ पर कंसोलिडेट आपको दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या 4, एक एग्रीकल्चर, एक हॉर्टिकल्चर जनरल, हॉर्टिकल्चर फूड साइंस में का एक पद है और हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस का एक पद है। तो इस प्रकार कुल पदों की संख्या 4 है। एलिजिबिलिटी, मास्टर्स होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए यानी कि हॉर्टिकल्चर में मास्टर होना चाहिए या फिर फूड साइंस हॉर्टिकल्चर में आपका मास्टर होना चाहिए, वेजिटेबल साइंस में मास्टर होना चाहिए ना कि आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर का कॉलेज एक जो है मंदसौर में है, मध्य प्रदेश की मंदसौर में एक हॉर्टिकल्चर का कॉलेज स्थित है। एग्रीकल्चर का कॉलेज खंडवा वगैरह में यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स होना चाहिए और बीएड वगैरह आपका संबंधित विभाग में होना चाहिए और इसके साथ में आप लोगों को बी क्वालिफिकेशन में पीएचडी डिग्री यानी कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से आपका होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश एंड हिंदी में होना चाहिए आप लोगों की, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का, कोरिकुला मॉड्यूल और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने में आपको 1 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या 1 है, फूड प्रोसेसिंग यानी कि बीएससी इन एमएससी इन फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए यहाँ पर, फूड प्रोसेसिंग में एमएससी होंगे तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये देख पाएंगे कि नेट स्लेट ग्रेड वगैरह जो है वो क्लियर होना चाहिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी यानी कि यूजीसी के मान से होती हैं वो सारी क्वालिफिकेशन से यहाँ पर लिखी हुई है। पीएचडी वगैरह हो तो उनको प्रायोरिटी दी जाएंगी, लेकिन एमएससी के साथ में बीएड हो तो आपको यहाँ पर बहुत प्रायोरिटी दी जाएगी। बी क्वालिफिकेशन में इस प्रकार से टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से किसी में एक में आपने वो लिया हो, आपने मास्टर की हो तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ
कंप्यूटर होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और 45,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दे रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों की संख्या 4 है, रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में के ये पद हैं। तो इसमें जो रिलेवेंट MBA होना चाहिए यहाँ पर, और BEd वगैरह हो तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए UGC अफिलेटेड, यानी कि UGC में जितनी भी आप डिग्रीज जो कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी के लिए अनिवार्य रहती है, वो सारी यहाँ पर दी गई हैं। और सेम दिया गया है कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, अगर वहाँ से आपने किया है तो प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी आपकी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर, मॉड्यूल्स कोरिकुला एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने में आपको अनुभव होना चाहिए, 45,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर दे रहेगा। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि मास मीडिया में यहाँ पर पद निकला हुआ है, वीडियो एडिटर एंड साउंड असिस्टेंट ये पद है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद है। इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को हायर डिग्री, यानी कि आपका जो भी कहेंगे स्नातक या कहेंगे परा स्नातक जो होता है वो आप लोगों का इसमें होना चाहिए, MSc होता है इसमें शायद। तो ये एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी, ए और बी दोनों रहेगा, नेट स्लेट गेट वगैरह जो भी आपको अनिवार्य रूप से यहाँ मांगा गया है आप लोग इसमें से पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे 500 यूनिवर्सिटीज और ये सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है, 45,000 रुपये प्रतिमाह दे रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, और एक है सॉफ्टवेयर का। तो दोनों पद यहाँ पे निकले हुए हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों निकले हुए हैं। फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट ब्रांच इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि M.Tech आपका होना चाहिए संबंधित विषय में, M.Tech आप हो तो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। विदाउट प्रिजुडाइज द अबाउ द फॉलोइंग कंडीशंस मे बी कंसिडर्ड डिजायरेबल, टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप लोगों को M.Tech नहीं भी हो तो आप लोग यहाँ पे टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रीज और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्वायर्ड आफ्टर क्वालिफिकेशन। पेपर्स प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंस इन रेफर्ड जनरल, ये भी आपका हो तो आपको एलिजिबल रहेंगे। रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, नॉलेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मॉड्यूल्स कोरिकुला एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, 45,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर दिया रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और यदि इसमें छूट भी दे रहेगी अगर दोनों में से कोई एक आपके पास में यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहेगी, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 वर्ष का, नॉलेज ऑफ मॉड्यूल कोरिकुला और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में आपका होना चाहिए, 45,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर दे रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 4 के 4 पद हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमेटिव, सोलर एनर्जी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास मास्टर होना चाहिए, यदि मास्टर्स नहीं भी हैं तो ग्रेजुएट होने के साथ में ये टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे अलाउ आपको किया जाएगा, 45,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर दिया रहेगा। सेम क्वालिफिकेशन चल रही है दोस्तों अभी तक। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों की संख्या 2 है, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैब्रिक एंड साइंस में, मास्टर डिग्री होना चाहिए आप लोगों की रिलेवेंट सब्जेक्ट में, अलाइड सब्जेक्ट भी हो तो आप लोगों को यहाँ पर मान्यता दी जाएगी। UGC के मान के अनुसार से आप लोगों को PhD हो या फिर नेट सेलेक्ट ग्रेड ये आप पास हो तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी एलिजिबिलिटी आपको दी गई है यहाँ पर, मैं आपको ये PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। एक और कंसल्टेंट्स के हेयर स्टाइलिस्ट, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हिंदी लैंग्वेज, ये 4 5 पद जो है वो कंसल्टेंट्स के पद हैं। डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 55 मार्क्स, 55% मार्क्स, जो डिप्लोमा है 3 ईयर्स का, ग्रेजुएट डिग्री इन ए कंसर्न सब्जेक्ट फील्ड एरिया ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट, आ कॉस्मोलॉजिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट का भी है यहाँ पर, या फिर हेयर केयर, ये 3 चीजें, 3 में से एक हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं।
डिप्लोमा 3 इयर्स, ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न फील्ड एरिया मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा हो तो भी आप एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपकी, जो संबंधित विषय या एग्रीकल्चर है उसमें आपकी होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग एम वॉक होना चाहिए यहाँ पर। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी लैंग्वेज हो तो आप लोगों को यहाँ पर मान्यता दी जाएगी। दोनों तीनों जो पांचों क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग दी गई है। 45,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर दिया रहेगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों की संख्या 1 है। एम फिल होना चाहिए या बिलीज या एमलीज होना चाहिए, एमलीज या बिलीज होना चाहिए बीसाइड्स। तो दोस्तों ये पूरी आपको विज्ञप्ति मैंने बताई है। इसके साथ ही में बहुत सारे ये पद हैं। प्रोडक्शन असिस्टेंट का भी एक पद है। बैचलर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर्म में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। 23,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर आपको दे रहेगा प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए। इसी प्रकार से प्रोग्रामर के पदों की संख्या 2 है और इसकी क्वालिफिकेशन ये दी गई है। वर्क एक्सपीरियंस 3 वर्ष का होना चाहिए। 29,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर आपको दे रहेगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पदों की संख्या 1 है। पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, एमटेक या फिर ये सारा जो क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है ये इनमें से कोई एक होना चाहिए। और सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक्सीलेंट कोडिंग इन HTMLS, ये पूरी क्वालिफिकेशन आपकी दी हुई है। 29,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर दे रहेगा। 31 मार्च 2023 तक के लिए पद निकले हुए हैं। प्रोड्यूसर का पदों की संख्या 2 है। TV स्क्रिप्ट राइटर आर कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम राइटिंग बुक्स। दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूसर के पदों की संख्या 2 है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए और SC ST और OBC को दिया गया है 50%, मतलब 5% की छूट यहाँ पर दी गई है। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। TV स्क्रिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ डाटा एंड मटेरियल्स में आपका 1 साल का अनुभव होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट एरिया ऑफ मीडिया। डिजायरेबल क्या रहेगा, फेमिलियरिटी विद TV इक्विपमेंट के साथ में आपको फेमिलियर होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द वर्क ऑफ प्रोडक्शन असिस्टेंट ऑन TV एंड हैविंग वर्क्ड एज ए TV कंटिन्यूटी इन फिल्म, TV प्रोडक्शन या ICT, ये है ना कि आपको होना अनिवार्य है। 29,000 रुपये प्रतिमाह दे रहेगा। 31 मार्च 2023 तक के लिए पद निकला हुआ है। कैमरामैन के पदों की संख्या 2 है। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी दोनों के लिए तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन जनरल कैटेगरी इन केस ऑफ SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 50% दिया जा यहाँ पर अनिवार्य रूप से मांगा गया है। 29,000 रुपये प्रतिमाह दिया रहेगा। एज लिमिट क्या रहेगी, 40 वर्ष और 5 साल की छूट दी रहेगी SC ST और OBC कैंडिडेट्स को। 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दे रहेगी। 31 मार्च 2023 तक के लिए ये पद निकले हुए हैं। विजुअल एनालाइजर का एक पद है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ग्राफिक आर्टिस्ट का एक के पदों की संख्या 6 है और इसी प्रकार से आप देखेंगे ग्राफिक डिजाइनर के पदों की संख्या 6, वीडियो एडिटर के पदों की संख्या 6। इसी प्रकार से आप यहां पर देख पाएंगे असिस्टेंट एडिटर, हिंदी लैंग्वेज में 3 पोस्ट है असिस्टेंट एडिटर में और इंग्लिश लैंग्वेज में 5 पोस्ट है। टेक्स्ट बुक एडिटिंग और प्रूफ एडिटिंग यहाँ पर आप लोगों को करनी होगी। 25,000 रुपये प्रतिमाह दे रहेगा। 31 मार्च 2023 तक के लिए पद जो है वो निकले हुए हैं। कंसल्टेंट के पदों की संख्या 2 है। डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्स डेवलपमेंट करना रहेगा आप लोगों को, यहाँ पर 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको दे रहेगा। सीनियर एसोसिएट के पदों की संख्या 1 है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे पूरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 1 पोस्ट फॉर ईच, तो यहाँ पर ये पूरे 7 पद हैं, 7 पदों पर निकले हुए हैं जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के। 23,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर दे रहेगा। DTP ऑपरेटर के पदों की संख्या 6 है और इसकी क्वालिफिकेशन इस प्रकार से दी गई है। कंप्यूटर असिस्टेंट के पद की संख्या 1 है और इसी प्रकार लैब असिस्टेंट के पदों की संख्या 1 है, तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या हो गई है 5 पद है। तो ये पूरी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है पूरा ये, और यहाँ पर ये शेड्यूल दिया गया है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं 30/5 से 31/5/2022 को, 2/6 को, फिर 3/6 को, 6/6 को, 8/6 को यहाँ पर इंटरव्यू रखे गए हैं। तो ये इंटरव्यू का वेन्यू क्या रहेगा उसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा ये मैं आपको PDF अवेलेबल करा रहा हूँ।